क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं हम लोग, मिसलिनियस एक्सरसाइज का डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाओ जरा मेरे साथ। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इस चीज को देखो मेरे साथ आप लोग। ये कोज स्क्वायर है, यहाँ साइन है, यहाँ कोज है, ठीक है ना। तो मैं ट्राई ये करता हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ जिससे ऊपर देखो नीचे की पावर भी स्क्वायर स्क्वायर की, ऊपर की भी स्क्वायर स्क्वायर की है। तो मैं यही ट्राई कर लेता हूँ कि सेम बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ वो देखो, पहले जीरो से पाई बाई टू कोज स्क्वायर एक्स, कोज स्क्वायर एक्स फोर वन माइनस कोज स्क्वायर एक्स। तो पहले कोज में कन्वर्ट कर दिया पूरे को, देन उसके बाद जीरो से पाई बाय टू, ठीक है ना, कोज स्क्वायर एक्स, कोज स्क्वायर एक्स फोर माइनस फोर कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो जीरो से पाई बाय टू कोज स्क्वायर एक्स, चार में से एक गया तो थ्री बचा, तो फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब यही मेरे को नीचे बनाना है, ऊपर बनाना है, तो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको देखते रहो, यहाँ पर जीरो से पाई बाय टू। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस थ्री से डिवाइड, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई, प्लस फोर कर दिया, प्लस फोर कर दिया, माइनस फोर कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इसके साथ लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया, दोनों के नीचे लिख दिया, तो वन बाय थ्री आपका क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स, फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा फोर बाय थ्री वन अपॉन में फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स, कट गया जी, तो वन हो गया। चलो इसका तो हो जाएगा काम, वन अपॉन में थ्री, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो जीरो से पाई बाय टू आप लोग कर लोगे इसको, फोर बाय थ्री, इसको मैं आई मान लेता हूँ। अब आई को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो आई को देख लो क्या है, इसको इक्वेशन वन बोल दिया। अब आई देख लो, आई क्या है आपके पास, तो आई बराबर था आपके पास वन अपॉन में फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज करते हैं। भाई स्क्वायर की टर्म है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स से या कोज स्क्वायर एक्स से, तो जिससे आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो, मैं कोज स्क्वायर एक्स से कर देता हूँ। चलो तो आई दो, मैं क्या कहूँगा, डिवाइडेड बाय कोज स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर कोज स्क्वायर एक्स से। तो आ जाओ जरा मेरे साथ, तो जीरो से पाई बाय टू वन अपॉन में कोज स्क्वायर एक्स और फोर माइनस थ्री कोज स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय कोज स्क्वायर एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा देख लो, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो फोर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसको इसके नीचे लिखूंगा माइनस का थ्री। अब हम लोगों को पता है कि हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यहाँ टेन बन जाए और उसका डेरिवेटिव वो बन जाए, तो एक फंक्शन बन जाए और उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो हम लोग यहाँ करते हैं इसको, देखो जरा मेरे साथ, तो जीरो से पाई बाय टू सेक स्क्वायर एक्स और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब ढंग से देखो, यहाँ पर मेरे को टेन एक्स को क्या ले लेना है, टी ले लेना है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। तो आपके पास आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो से पाई बाय टू ये डी टी बन गया, तो वन अपॉन में वन प्लस फोर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस थ्री। तो अब इसको सही से कर लो और अच्छे से, तो आपके पास आ जाएगा आई इजिकल्स टू, अच्छा मैंने लिमिट नहीं चेंज करी, सॉरी लिमिट भी चेंज कर लो यहाँ बैठे बैठे। तो जैसे देखो टेन एक्स को आपने टी माना है, तो एक्स बराबर जब आपका जीरो था तो टी बराबर भी जीरो हो जाएगा, और जब एक्स बराबर आपका पाई बाय टू था तो टी बराबर आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, विच इज़ इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा आपका। तो जरा कर लो इसको अच्छे से, तो वन अपॉन में फोर प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन में ये वन ही बन गया, फोर टी स्क्वायर डी टी, तो इसमें से फोर कॉमन ले लो, ठीक है ना, वन बाय फोर ले लो कॉमन, तो वन बाय फोर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन में वन बाय फोर, वन बाय फोर को भी मैं टू का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस टी स्क्वायर डी टी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर लगा दो वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो टेन इनवर्स टी बाय वन बाय टू, और जीरो से लेके इन्फिनिटी आप डाल दोगे, तो इससे काटोगे दो, तो आपके पास आ जाएगा वन बाय टू टेन इनवर्स, एक बार इन्फिनिटी डाला माइनस एक बार जीरो डाला, तो जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी आपका पाई बाय टू, तो पाई बाय
टू, पाई बाय फोर आ गया आपका इसका आंसर। तो ये वैल्यू पुट इन वन, पुट इन इक्वेशन वन, वन में पुट कर दो यहाँ पर, ये रहा वन, तो आंसर आपके पास ओवरऑल आ जाएगा क्या, माइनस वन बाय थ्री पाई बाय टू माइनस जीरो और फोर बाय थ्री इंटू पाई बाय फोर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो पाई बाय थ्री करके कर लेना इसको, तो माइनस फाइव बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री विच इज़ सिक्सटी में थर्टी गया तो थर्टी बचेगा आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका।